गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज का फर्दर पार्ट। तो 19 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। और अभी भी दो तीन टाइप्स जो हैं वो बची हुई हैं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 20th क्वेश्चन, 31% ऑफ द एम्प्लॉयज पे टैक्स इन द ईयर 2008। ठीक है, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज आर 20,700। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो 2008 की बात कर रहा है, टोटल एम्प्लॉयज होंगे 100%। तो टैक्स पेयर जो है वो है 31%। तो नॉन टैक्स पेयर कितने होंगे, तो ये होंगे आपके 69%। ठीक है, तो ये टैक्स पेयर हैं और ये आपके हैं नॉन टैक्स पेयर। नॉन टैक्स पेयर, अब इनमें से किसी एक की वैल्यू दी होगी या किसी ना किसी परसेंटेज की वैल्यू दी होगी। तो इसमें दिया हुआ है जो नॉन टैक्स पेयर हैं वो हैं 20,700। ठीक है, तो अब इसके बाद पूछा गया है कर्मचारियों की कुल संख्या, मतलब 100% निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला था परसेंटेज टू फाइंड इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, वैल्यू अपॉन गिवन परसेंटेज, गिवन परसेंटेज इनटू परसेंटेज टू फाइंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 100% हमने निकालना है। तो गिवन वैल्यू कितने परसेंट की वैल्यू दी हुई है, 20,700 दी गई है और ये परसेंटेज है 69%। और निकालनी कितने परसेंट की है, तो ये है 100%। तो ये हमने कट करना है, तो 69 × 3, तो ये आपके 207 होते हैं, तो 00, तो ये आ गया आपके पास 30,000। तो ये आपका आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3, ये आपकी टोटल जो है जनसंख्या है। चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास 21st क्वेश्चन, ए टीम प्लेड 40 गेम्स इज इन अ सीजन एंड वन 24 ऑफ देम। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स प्लेड डिड ही विन। तो परसेंटेज निकालनी है, 24 जो हैं वो कितनी परसेंट होती हैं, तो 24 डिवाइडेड बाई 40 × 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट कर देते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 10। तो 60% जो है वो विनिंग परसेंटेज है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 125% इज एक्स, ऑफ एक्स इज 100। तो 125% की वैल्यू जो है वो हमें 100 दी गई है। ठीक है, देन एक्स इज, एक्स का 125% सो हो, अच्छा एक्स कोई वैल्यू है उसका 125% 100 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि 100% क्या होगी। ठीक है, यही पूछी गई है। तो 100% निकालना है, तो वही परसेंटेज टू फाइंड, 100% हमने निकालनी है। तो गिवन वैल्यू कितनी है 100, गिवन परसेंटेज कितनी है 125, निकालनी कितनी है 100। तो 25 × 5 = 4, 5 × 1 = 20। तो कितनी आ जाएगी 100%, दैट इज योर 80, मतलब एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द एनहांस्ड सैलरी ऑफ ए मैन बिकम्स ₹2400 आफ्टर 20% इंक्रीमेंट। जो बढ़ी हुई सैलरी है वो 24,000 बन जाती है 20% के इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, हिज प्रीवियस सैलरी इज, तो पहले उसकी 100% होगी सैलरी, कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ 20%, तो 120%, और 120% की वैल्यू है 24,000। तो आपको प्रीवियस सैलरी मतलब 100% निकालना है, तो वही 120% की वैल्यू क्या होगी, गिवन वैल्यू अपॉन गिवन परसेंटेज, सॉरी 120 निकालनी इतनी है 100% की। तो परसेंटेज टू फाइंड, 0 से 0 कट गया, 12 × 1 = 12, 2 × 2 = 2, तो कितनी आ गई है 20,000, अच्छा 24,000 है, मैंने 100 कम लिखा है। ठीक है, तो 20,000। ठीक है जी, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट है आपके पास
two persons contested an election of a parliament. The winning candidate secured 57% of the total votes polled and won a majority of 42,000. तो एक मान लेते हैं 100% वोट पड़ी, उसमें से 57% जो है विनिंग कैंडिडेट ले गया, तो दूसरे को कितनी मिली? 43%. और जो जीता है वो कितनी वोटों से जीता? 42,000. मतलब कि अगर परसेंटेज में देखें तो कितनी ज्यादा वोटों से जीता? 14% वोट से. ठीक है, डिफरेंस जो है तो कितनी वोट से जीता? 14%. यही है. तो मतलब कि अगर परसेंटेज में देखो तो 14% है, वोट्स में देखो तो 42,000 है. अब इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है. तो गिवन वैल्यू जो है वो आपकी 42,000 है, ठीक है, और गिवन परसेंटेज जो है वो आपकी 14 है इंटू 100. 14 इंटू 3,000 इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास कितनी है? 3,00,000. ठीक है, 3,00,000 ही आ गया. 3,00,000 जो है वोट जो है वो कास्ट हुई है. तो ये रहा आंसर, समझ आ रहा है ना? जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको आसान लगते जाएंगे चैप्टर, जितने क्वेश्चन हम करते जाएंगे. Given A is 50% larger than C and B is 25% larger than C, वही A, B, C. तो तीनों में किसकी वैल्यू दी गई है? C की. तो C ले लेना 100%. B is 25% larger, मतलब 125%. अब बोला कि A is 50% larger than C. A का 50% क्या होता है? हाफ कर लो. कितना होता है 125 का हाफ? 62.5. वो ऐड कर लो, इतना होता है ना. अगर ऐसे नहीं पता लग रहा तो 125 का परसेंट का कितना कर लो? 150%. ठीक है, इतनी होगी वैल्यू. जीरो से जीरो सीधा ही करते, 50 × 3, 50 × 2. 2 से आ गया कितना आ गया? ये 2 से आ गया 62.5. इंटू कर लो 3 से, 62.5 इंटू 3, 5 × 15, 3 × 2 = 7, 6 × 3 = 18. चाहे ऐसे कर लो, चाहे 150 में 62 पॉइंट कितना आया था, नहीं फिर तो गलत आ रहा, 125 में 62.5 ऐड कर लो. दोनों तरीकों से ऐड करके देख लो. हाँ जी, ए सी से लिखा हुआ. अच्छा, सी से लिखा है सीधा ही, मैंने बी से कर दिया ये. सी से है तो 150%, तब तो आसान ही है. ठीक है, ए इज 50% लार्जर देन सी, ठीक है. बट अगर ए इज 50% लार्जर देन बी आता तो फिर ऐसे हो जाना था जैसे पहले हमने किया. ठीक है, अब तो आसान ही है क्वेश्चन. तो इन्होंने क्या पूछा हुआ? देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी. तो लार्जर या स्मॉलर के केस में मैंने क्या बताया? डिफरेंस. लार्जर के केस में नीचे कौन सी वैल्यू होगी? स्मॉलर वैल्यू इंटू 100. तो डिफरेंस किसका है? किस किस का पूछा है? ए और बी का. तो ए और बी में देखें डिफरेंस कितने का है? 25 का. इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 125 इंटू 100, तो 5, और ये आ गया. तो 20% जो है वो आंसर आ जाएगा कि ए जो है 20% ज़्यादा है किससे? बी से. चलिए जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन. इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए. ए को कितने गए? 40%. 75% ऑफ द रिमेनिंग, पहले तो रिमेनिंग देखिए, रिमेनिंग कितना है? 60%. अब 60% का 75% ऑफ द रिमेनिंग टू ग्रुप बी. अब 60 का 75%, ठीक है, तो 75% क्या होता है? 3/4 निकाल लो. 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, तो 45% ये आ गया टोटल का. ठीक है, बी में चला गया. एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन सी. तो सी को परसेंटेज में देखें तो कितने बचे? 40 + 45 = 85, तो 15% बचे. और वैल्यू में कितने बचे? तो 12 स्टूडेंट्स,
were given group C. ठीक है. Then the number of students who applied for the group is, सबकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, पहले 40% की निकाल लो, फिर 45 की निकाल लो. ठीक है, तो 40% की वैल्यू क्या आएगी? नहीं, इन्होंने टोटली पूछा है, टोटल 100% निकालनी है. तो परसेंटेज टू फाइंड 100% है, गिवन वैल्यू 12 है, गिवन परसेंटेज 15 है और निकालने वाली 100 है. तो क्या आ जाएगा इसमें? 4 threes and 5 threes, यहाँ पे आ गया 20. तो 20 इंटू दिस, दैट इज़ योर 80. और सॉरी, वैल्यू में है तो 80 ही आएगा, परसेंट नहीं लगेगा इसके साथ. 80 इज़ द राइट आंसर. तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है. अब नेक्स्ट चलें. अगर ए बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, 50 रेड बॉल्स, ठीक है, 50 ब्लैक बॉल्स. तो 100 ब्लू हैं, 100 50 रेड हैं, 50 रेड हैं एंड 50 ब्लैक हैं. ब्लू और ब्लैक कितनी है? 50. 25% ऑफ द ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ द रेड बॉल्स आर टेकन. परसेंटेज ऑफ बॉल्स एट प्रेजेंट इज, अगर हमने कितनी ली? 25% ऑफ द ब्लू बॉल्स, मतलब 25% ऑफ द ब्लू बॉल, तो ये 25 ही आ गई. एंड 50% ऑफ द रेड बॉल, रेड बॉल की 50%, तो ये भी 25 आ गई. ठीक है. परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट, जो परसेंटेज है ब्लैक बॉल की वो कितनी है? ठीक है, ये तो बाहर चलेगी, 50 बॉलें निकालनी किसकी परसेंटेज है? ब्लैक की. तो बची कितनी है? देखो 50 हम माइनस कर लेते हैं टोटल में से, 50 जमा 50 100 जमा 100 200 टोटल थी, जिसमें से 50 जो है बाहर ले गए. तो कितनी बची? टोटल जो है 150 बची. अब ब्लैक बॉल की परसेंटेज पूछी है 150 में कितनी है, तो ब्लैक बॉल कितनी है? 50 इंटू 100, तो 50/3, दैट इज योर 33:1/3%. ठीक है, 100/3 अगर इसे सॉल्व करें तो 33 × 3 = 99 और 1 left/3%. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट. जो एक बहुत बड़ा गार्डन है, 60% ट्रीज जो हैं वो किसके हैं? कोकोनट के. 60%. 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर, नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज. अच्छा, कोकोनट ट्रीज के जो 60% है, इसका अगर 25% निकालें तो वो किसकी आएगी? मैंगो की. तो इसका 25% मतलब 1/4 कर दो तो कितना आया? 15. ठीक है, 15% जो है वो मैंगो हैं. ठीक है. एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज आर एप्पल. तो एप्पल के हैं, तो 15 का कितने परसेंट? 20%, जो आ जाएगा 3%. यही है. अब बात आई कि इनकी वैल्यू जो है एप्पल के ट्रीज की, ये कितनी है? 1500 लिखा है इन्होंने. ठीक है ना, 1500. देन द नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब 100% जो ट्रीज हैं उनकी वैल्यू निकालनी है. तो गिवन वैल्यू कितनी है? 1500. गिवन परसेंटेज 3 × 100, तो 3 × 5 = 15, तो कितने आ गई है? 50,000. तो दिस इज योर आंसर. ठीक है, चले नेक्स्ट. ठीक लग रहे हैं क्वेश्चन? नेक्स्ट है आपके पास. इन एन एनुअल एग्जामिनेशन महुआ गॉट 10% लेस मार्क्स देन सुप्रियो. महुआ जो है उसने 10% लेस मार्क्स गेट किए हैं सुप्रियो से इन मैथ. महुआ गॉट 81% मार्क्स, तो ये तो बड़ा आसान है. महुआ के मान लेते हैं आपके परसेंटेज में 100% मार्क्स हैं और दूसरे ने कितने परसेंट लेस किए? अच्छा,
सुप्रियो से, तो सुप्रियो के 100% है अपने आप में, तो महुआ उसके 10% लेस, मतलब कि 90% जो है वो गेट किए, महुआ ने गेट किए 81, देन द मार्क्स ऑफ सुप्रियो, तो 90% की वैल्यू आपको दी हुई है, 100% की निकालनी है, तो गिवन वैल्यू आपकी 81, गिवन परसेंटेज 90 × 100, 0 से 0 कट गया, 9 9 जा, तो दैट इज योर 90 मार्क्स। ठीक है जी, अब क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, कैंडिडेट्स हैं, द फर्स्ट कैंडिडेट जो पहला है उसने 40% वोट्स एंड द सेकंड गॉट, फर्स्ट जो है उसने किए 40% वोट गेट किए, सेकंड जो है उसने 36% वोट्स जो है वो गेट की, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 36,000, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाई द थर्ड कैंडिडेट, तीसरे कैंडिडेट के द्वारा कितनी वोट्स जो हैं वो गेट की गई। पहले तो यहाँ देखो, 40 इसको मिली, 36 इसको मिली, कितनी होगी 76, तो थर्ड को कितनी मिली 24%। ठीक है, अब टोटल वोट्स जो हैं वो 36,000 है, 100% जो है वो कितनी है 36,000। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछी हुई है, तो वही परसेंटेज जो निकालनी है, वैल्यू जिसकी दी हुई है, गिवन पर वैल्यू अपॉन गिवन परसेंटेज इनटू परसेंटेज टू फाइंड, तो 0 0 से 0 0 कट गई, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है सिर्फ, 24 × 0 = 24 × 6 कितना होता है, पहले 24 × 6 कितना होता है 144, 14 इज योर कैरी, 24 × 3 72 प्लस 14 8640, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 476 वोट्स, मतलब कि एक इलेक्शन जो है 84% विनर को मिले हैं, लूजर को कितने मिले 16%, बट जो जीता इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है कितनी वोटों से जीता 476 से। अब वोट्स में जो वैल्यू दी गई है 476, अगर परसेंटेज में देखो तो कितनी परसेंट वोट से जीता, 84 में से 16 गए तो कितने आ जाएंगे 68%। ठीक है, तो 68% की वैल्यू दी हुई है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो गिवन वैल्यू कितनी है 476, गिवन परसेंटेज कितनी है 68 × 100। ठीक है, अब आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखें, आपको लगभग आंसर मिल जाएगा, इनटू मेरे ख्याल से 7 ही होगा ये, ठीक है, 7 × 100 दैट इज योर 700। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास, 25% of annual salary of A is equal to the 80% of annual salary of B. मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सी। ठीक है, एनुअल सैलरी ऑफ सी इज ₹6 lakh, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ ए। अब पहली बात ये, अगर किसी की मंथली, मेरी मंथली सैलरी किसी की सैलरी की 80% है मंथली, हाँ, तो ईयरली भी 80% ही रहेगी, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो चाहे मंथली बोले चाहे ईयरली बोले बात सेम है। ठीक है, या तो सबको ईयरली कैलकुलेट कर लो या सबको मंथली कैलकुलेट कर लो, बाद में वैल्यू जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, पहले मंथ के निकाल के फिर मल्टीप्लाई करके करो, तो ऐसा नहीं करना है। तो हमने क्या करना है, ए बी और तीन लोग हैं सी, इनकी परसेंटेज वाइज सैलरी जो है निकाल लेनी है। अब 25% ऑफ एज एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ
एनुअल सैलरी ऑफ बी, ठीक है, मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सी. तो सी की जो सैलरी है अगर हम 100% कंसीडर करें तो बी की जो सैलरी है वो कितनी आ रही है, 40%, ठीक है, यही आया. उसके बाद क्या है, 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ, मतलब कि 1/4 ऑफ ए, 25% ऑफ ए किसके बराबर है, 80% ऑफ, इसका 80% कितना होगा, 32%, यही आया. अगर ए की वैल्यू देखे तो कितनी आ गई, 32 × 4 कितना आ गया, 32 × 4 कितना आ गया, 128%. मतलब अगर सी की 100% है तो सबकी वैल्यू आएगी हमारे पास, ए यहाँ से निकाला तो है, 1/4 ऑफ ए इज इक्वल टू 32%, 25% बोला है ना, तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है, तो 1/4 ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, तो इसका 80% लिख दिए इसके सामने. ठीक है, अब लग गया पता, मतलब कि यहां से परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लिया. सी की जो वैल्यू, मतलब कि ईयरली सैलरी है वो है 6 लाख, इसकी वैल्यू है 6 लाख, ठीक है, 100% की वैल्यू. तो अब हम निकाल लेंगे आपकी 128% की वैल्यू. तो 128% की जो वैल्यू है ये ईयरली निकल रही है अभी, क्योंकि सी की ईयरली है तो ए की भी ईयरली निकल जाएगी, मंथली डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे. तो 128% की वैल्यू क्या आ गई, गिवन वैल्यू कितनी है, 6 लाख, 6 ही कंसीडर करते हैं, लाख में जीरो लगा दें कि नहीं, लगा ही देते हैं, हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाई 100 × 128, ठीक है. ये तो होगी ईयरली. अगर हम बात करें किसकी, आपकी मंथली की, तो क्या करेंगे हम, इसको डिवाइडेड बाई 12 ही करना है, तो यही कर लेते हैं. तो 12 × 5 = 60, तो ये तो आ गया 50,000, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, तो आ गया 5, मतलब 500. 128 को 5 से मल्टीप्लाई करो पहले, फिर दो जीरो बाद में लगा लेंगे, 8 × 5 = 40, 5 × 2 = 10 + 4 = 14, 5 × 5 + 1 = 6, और दो जीरो और लगा लेंगे, ठीक है. तो कितना आ गया, 64,000 जो है वो आपकी मंथली सैलरी आ गई, किसकी, ए की. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है. तो ये लगभग लगभग एक टाइप है जो आपकी कवर होगी. वोट्स वाली कैलकुलेट कर लिया हमने, फिर किसी की कोई वैल्यू दी हुई है, नेक्स्ट कैसे निकालनी है, डिफरेंस कैसे निकालना है. अब कल जो है एक नेक्स्ट टाइप कवर करेंगे, तो आज के लिए इतने काफ़ी है. तो थैंक यू ऑल फॉर द डे. चलिए जी.